ध्यान देना पड़ेगा। और हम थोड़ा बेबाक हैं इस सब में, हम सबको बोल भी देते। तो जो सही है वो सही है, हमारे शुरू से आदत है। यस हाँ, मैम, इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है, जिसमें बोलो। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा तीन प्रोसेस था, यानी अनुपालन, आत्मीकरण, ये दोनों प्रोसेस के द्वारा जो मनोवृत्ति बदलता है, जो एटीट्यूड चेंज होता था, वो अस्थाई ढंग से चेंज होता था। लेकिन जो हमारा लास्ट पॉइंट है, आंतरिकरण, इसमें जो मनोवृत्ति बदलती है वो कंपेरेटिवली स्थायी रहता है। ये सब याद रखिएगा आप, छोटी छोटी बातों को। ठीक है, हम यहाँ पे इसके गुण और अवगुण पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े कैलमिस की थ्री प्रोसेस थ्योरी, इस प्रोसेस का कुछ मेरिट भी है और कुछ डिमेरिट भी है। तो आज हम लोग इसके हाँ, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा गुण, यह है कि मनोवृत्ति में होने वाले अस्थाई एवं अस्थाई दोनों तरह के परिवर्तनों की व्याख्या इसके द्वारा होती है। अब देखो, इसमें कह रहा है कि एक बहुत बड़ा मेरिट क्या था कैलमिस थ्योरी में, कि कैलमिस थ्योरी की जो थ्री प्रोसेस जो थ्योरी है कैल्विन की, उसमें एक सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसमें हमारी जो एटीट्यूड है, हमारी जो मनोवृत्ति है, वो अस्थाई रूप से कैसे परिवर्तन होता है और अस्थाई रूप से किस तरह से परिवर्तन होता है, उन दोनों के बारे में बताया गया है। जैसे आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो हमारा पहला था अनुपालन, उसमें क्या बोला, माता पिता के कहने की वजह से बच्चे ने अपनी मनोवृत्ति बगल की आंटी के लिए पॉजिटिव रखा था। जैसे ही माता पिता हटे, बच्चे ने अपनी मनोवृत्ति फिर निगेटिव कर लिया, है ना। तो यहाँ पे वो अनुपालन कर रहा था अपने माता पिता के चलते। तो आप देखिए कि ये क्या हुआ, मनोवृत्ति तुरंत बदल गई, बदली ना मनोवृत्ति माता पिता के हटते। तो ये इसीलिए कहा गया कि जो हमारा पहला जो दो प्रोसेस है, अनुपालन और आत्मीकरण, इन दोनों के प्रोसेस में जो मनोवृत्ति बदलता है वो अस्थायी रूप से बदलता है ना। और दूसरा लास्ट वाला जो हमारा आंतरिकरण था, उसमें जो मनोवृत्ति बदलता है वो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। तो ये इसका जो हमारी मनोवृत्ति का स्थायी और अस्थायी के बारे में जो व्याख्या किया है वो कैलमिन्स ने काफी अच्छे से किया है, और ये इसको मेरिट के रूप में देखा गया है। ठीक है, ये पहला मेरिट है। आप लोगों को क्लियर हो गया पहला मेरिट? ठीक है, चलिए सेकंड पे आ रहे हैं हम लोग। इस सिद्धांत में निश्चित रूप से उदारता का गुण है, क्योंकि इस सिद्धांत में कैलमिन